हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जीआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया है टीचर सेंटर्ड मेथड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड। आप उस लेक्चर को जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर टूडेज टॉपिक। देखो, बेसिकली मेथड्स ऑफ टीचिंग होता क्या है, ये अ वे ऑफ टीचिंग है, यानी कि टीचिंग करने का तरीका। हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है ना कि एक पॉजिटिव लर्निंग आउटकम निकले, यानी कि जो भी टीचर पढ़ा रही है वो स्टूडेंट्स को समझ में आए, स्टूडेंट्स के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आए। तो एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है, एक अच्छा मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड एक अच्छा मेथड ऑफ टीचिंग वही होता है जो लर्नर्स की नीड को, लर्नर्स के रिक्वायरमेंट्स को, लर्नर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए जो मेथड हम सेलेक्ट करते हैं, वो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही हेल्प करता है उसे इफेक्टिव बनाने में। हम आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑफलाइन टीचिंग मेथड। देखो, ऑफलाइन टीचिंग मेथड क्या होता है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है। ये हमारा सबसे पुराना मेथड ऑफ टीचिंग है। देखो, बेसिकली ये होता क्या है, जो पढ़ाई, जो टीचिंग लर्निंग हम क्लास कॉलेज में जाके करते हैं, स्कूल में जाके करते हैं, यानी जो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्लासरूम के अंदर होती है, जहां पे फिजिकली टीचर और स्टूडेंट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये होती है हमारी ऑफलाइन टीचिंग। जैसे कि स्कूल में जाके पढ़ाई करना, कॉलेज में जाके पढ़ाई करना। ऑफलाइन टीचिंग में जो मेन, जो सेंट्रल रोल होता है ना, वो टीचर्स का होता है। इसका रीजन ये है, देखो ऑफलाइन टीचिंग क्या है, ये हमारा फॉर्मल फॉर्म ऑफ एजुकेशन है ना, ये हमारी फॉर्मल टीचिंग लर्निंग होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कुछ भी है, सब कुछ यहाँ पे, जितना भी ये पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यहाँ पे सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, प्री प्लान्ड होता है। यहाँ पे सब कुछ टीचर पहले से डिसाइड करा हुआ होता है ना, टाइम टेबल जो है, कौन सा लेक्चर कब होगा, किस दिन होगा, ये सब कुछ टीचर डिसाइड करती है, सब पहले से प्री प्लान्ड होता है। तो यहाँ पे जो लर्नर है ना, वो इतने एक्टिव नहीं होते हैं। यहाँ पे लर्नर का काम है एज अ पैसिव लिसनर, यानी जो कुछ उनको पहले से फिक्स करके दे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली लर्नर्स को यहाँ पे चलना है। ऑफलाइन टीचिंग मेथड में मल्टीमीडिया का यूज जो है वो बहुत ही मिनिमल होता है, और अगर जो होता भी है ना, तो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज नहीं होती है। जैसे कि ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजीज यूज होती है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, चौक से लिखना, पेन से लिखना, देन हमारे चार्ट्स वगैरह, फ्लैश कार्ड्स हो गए, तो इस तरह की मल्टीमीडिया यहाँ पे यूज होता है। बस हाँ, ये है कि ऑफलाइन टीचिंग में फेस टू फेस इंटरेक्शन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में होता है। स्टूडेंट्स है ना, हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें लगता है कि ऑफलाइन टीचिंग में मतलब पूरा टीचर सेंटर्ड ही मेथड यूज किया जाता है। नहीं, ऑफलाइन टीचिंग में टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड दोनों यूज होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। ऑफलाइन टीचिंग में देखो होता क्या है, हम स्कूल या कॉलेज जाके पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है, ये डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ स्टूडेंट्स क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे टीचर सेंटर्ड मेथड यूज होगा, यानी क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ना, कितना पढ़ाना है, ये टीचर डिसाइड करती है। यहाँ पे टीचिंग मेथड, टीचिंग स्ट्रेटेजी सब टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट किया जाता है ना। लेकिन अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो लेकिन अगर स्टूडेंट अगर कॉलेज के हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट फोकस हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे स्टूडेंट्स कॉलेज लेवल में क्या होगा, यहाँ पे वो लोग डिस्कशन कर सकते हैं ना, उनको अच्छे मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उस पे काम करने, असाइनमेंट दिया जाता है। यहाँ पे कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, जो स्ट्रीम है वो स्टूडेंट डिसाइड करता है ना, तो यहाँ पे क्या, स्टूडेंट के पास अथॉरिटी होती है। तो इसलिए ऑफलाइन टीचिंग में टीचर सेंटर्ड मेथड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड वो दोनों यूज किया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन से लेवल ऑफ स्टूडेंट्स की टीचिंग हो रही है। नेक्स्ट इज हमारा ऑनलाइन टीचिंग, जिसे हम ई लर्निंग भी कहते हैं। देखो ऑनलाइन टीचिंग के अंदर वो हर टीचिंग आती है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू की जाती है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, फोन, स्मार्टफोन्स वगैरह, इंटरनेट, ब्लॉग्स, ये हर चीज जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आप लर्निंग करते हो, वो हमारी ऑनलाइन टीचिंग या उसे ई लर्निंग हम कहते हैं। ऑनलाइन टीचिंग मेथड ये एक मॉडर्न टीचिंग मेथड है हमारा, क्योंकि यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जिससे हमारी टीचिंग लर्निंग जो है ना वो इफेक्टिव हो। फॉर एग्जाम्पल ऑफलाइन में क्या था, हम ट्रेडिशनल मल्टीमीडिया यूज करते थे, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू क्या हुआ, इससे हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ना वो बहुत ही इंटरेक्टिव हो गया है। टीचर्स यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड यूज करती हैं,
इफेक्टिव पीपीटी प्रेजेंटेशंस के थ्रू पढ़ाया जाता है, प्लस साथ में अगर टीचर को कोई कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को समझाना है तो यहाँ पे इंटरैक्टिव वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जाता है। यानी कि एक एडवांस डिजिटल अप्रोच यहाँ पे यूज किया जाता है टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव एंड इंटरैक्टिव बनाने के लिए। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर ऑनलाइन टीचिंग मेथड अगर क्लासरूम में यूज करेगी तो वहां पे वो स्मार्ट बोर्ड्स का यूज करेंगी, है ना, इंटरैक्टिव वीडियोस का यूज करेंगी। लेकिन अगर ऑनलाइन टीचिंग अगर डिस्टेंस लर्निंग के लिए यूज करा जाएगा, जहां पे क्लासरूम नहीं होता, फिजिकली टीचर्स या लर्नर्स प्रेजेंट नहीं होते, जो टीचिंग लर्निंग जो है डिस्टेंस के थ्रू करी जाती है, वहां पे हम ऑनलाइन मीडियम का कैसे यूज करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू, लाइव लेक्चर्स के थ्रू, पीडीएफ नोट्स बना के हम दे देते हैं, है ना, वेबसाइट्स के थ्रू। तो ये सब हमारा ऑनलाइन टीचिंग में। ऑनलाइन टीचिंग जो है इसमें ना दो मोड से स्टूडेंट्स अपना लर्निंग करते हैं, जैसे कि एक हो गया हमारा एक्टिव लर्निंग और एक हो जाता है हमारा सेल्फ पेस्ड लर्निंग। अब एक्टिव लर्निंग क्या होगा, जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रही है, जहां पे टीचर स्मार्ट बोर्ड यूज कर रही है, इंटरैक्टिव वीडियोज यूज कर रही है, तो यहाँ पे एक्टिवली स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। सेल्फ पेस्ड लर्निंग कैसे होगा, यहाँ पे टीचर ने पीडीएफ दे दिया लेक्चर्स के, है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड में टीचर ने नोट्स बना के दे दी, तो अब ये स्टूडेंट्स सेल्फ पेस्ड यानी एज पर देयर कन्वीनियंस स्टूडेंट्स जो है ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये लोग इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिया हुआ है तो वो अपने फ्री टाइम के अकॉर्डिंग वो लेक्चर्स को देख सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, COVID-19 के टाइम पे चाहे हमारा वो जॉब सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर हो, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ ऑफलाइन से जो है वो ऑनलाइन, यानी ट्रेडिशनल से टूवर्ड्स मॉडर्न शिफ्ट हो गया था, जहाँ पे पेंडेमिक की वजह से ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम्स पॉसिबल नहीं थे, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे सब कुछ जो है स्टडीज जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट कर दी गई, है ना, ऑनलाइन लेक्चर्स होने लगे, गूगल मीट पे क्लासेस होने लगी, जूम पे क्लासेस होने लगी, टीचर व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू टीचर्स होमवर्क असाइनमेंट स्टूडेंट्स को देने लगे, है ना, नोटिफिकेशंस देने लगे, तो ये सब हमारे ऑनलाइन टीचिंग के अंदर आता है। देखो कोविड में यही हुआ था ना, ऑफलाइन से हम डायरेक्टली ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए थे। नेक्स्ट है हम जो पढ़ेंगे, ब्लेंडेड लर्निंग, हाइब्रिड लर्निंग एंड फ्लिप लर्निंग, जिसे हम फ्लिप क्लासरूम भी कहते हैं। ये सब जो है ना हमारे ऑनलाइन लर्निंग के ही अंदर आता है कि आप किस तरह से और ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। तो देखो ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, ब्लेंडेड के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मिक्स लर्निंग की बात करता है। तो ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर ये ऐसा लर्निंग सिस्टम मेथड है जहां पे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों का मिक्स करके हम लर्निंग करते हैं, यानी उसे ब्लेंड, उसे मिक्स करके, कि ताकि एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग हो। बहुत जगह पे ब्लेंडेड लर्निंग की ना अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, लेकिन किसी ने भी इसको सही से डिफाइन नहीं कर पाया है। तो ब्लेंडेड लर्निंग जो है, आप सिर्फ इतना समझ लो कि ब्लेंडेड लर्निंग होता क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ ऑफलाइन टीचिंग प्लस ऑनलाइन टीचिंग। आप दोनों को मिला के जिस तरह ब्लेंड करके पढ़ा सकते हो वो हमारी ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर आ जाएगी। हम कुछ एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई यूनिट है, ठीक है, आपने कोई प्रोग्राम ज्वाइन किया है जिसके अंदर 5 यूनिट्स है। अब 5 यूनिट्स में से समझो 3 यूनिट्स थियोरी है एंड 2 यूनिट्स प्रैक्टिकल के, तो इसमें ब्लेंडेड लर्निंग के हिसाब से यहाँ कैसा होगा, जो 3 यूनिट्स है जो थियोरी के है वो ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, और जो रिमेनिंग 2 यूनिट्स है वो आपके ऑफलाइन, यानी कि आपको क्लास अटेंड करके ये आपकी यूनिट्स को कंप्लीट कराया जाएगा। इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है कि आपने क्लास में स्टडी किया और घर जाके टीचर ने जो भी पीडीएफ दिया है या जो भी असाइनमेंट दिया है वो घर जाके आप ऑनलाइन थ्रू आप उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके सबमिट कर रहे हो टीचर के पास। या इसमें एक ये भी हो सकता, इसका एक ये भी एग्जांपल हो सकता है कि आपने पूरी ऑनलाइन पढ़ाई करी एंड एग्जाम देने आप ऑफलाइन आ रहे हो। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आप क्लास में टीचर आपको एक्सप्लेनेशन दे रही है लेक्चर के थ्रू, एंड उसके बाद क्लास में ही टैब पे या लैपटॉप पे जो है आप उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो। इसमें ये भी एग्जांपल है कि क्लास में टीचर ने आपको लेसन एक्सप्लेन किया, उसके बाद आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बन गए जहाँ पे स्टूडेंट डिस्कशन कर रहे हैं, एंड उस ग्रुप के थ्रू असाइनमेंट सबमिट किया जाना। तो ब्लेंडेड लर्निंग इज अ एनी फॉर्म ऑफ लर्निंग जहाँ पे आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन को मिला के ब्लेंड करके आप जो लर्निंग करते हो वो हमारे ब्लेंडेड लर्निंग में आता है। देखो इसके अंदर 2 तरीके के मीडियम यूज होते हैं, यानी आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक होता है सिंक्रोनस मीडिया एंड एक होता है एसिंक्रोनस मीडिया। तो सिंक्रोनस मीडिया में आप सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे लाइव इंटरेक्शन की बात होती है, एंड एसिंक्रोनस मीडिया में यहाँ पे आपके रिकॉर्डेड चीजें जो होती है, यानी जो लाइव नहीं है रिकॉर्डेड है, वो मीडियम यहाँ पे हमारा आता है। तो सिंक्रोनस मीडिया क्या होगा ब्लेंडेड लर्निंग में, जैसे कि लाइव लेक्चर्स या फिर जिसे हम लाइव वीडियो भी कहते हैं,
वी लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये आ गया सिंक्रोनस मीडिया पे। असिंक्रोनस में क्या आ गया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ब्लॉग्स हो गए हमारे। सिंक्रोनस में सेंडर एंड रिसीवर दोनों जो है लाइव प्रेजेंट होना चाहिए, यानी सेम टाइम पे दोनों मौजूद होने चाहिए। असिंक्रोनस में ऐसा नहीं है, एज पर द कन्वीनियंस लर्नर जो है यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकता है। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड लर्निंग। देखो बहुत जगहों पे ना बहुत से लोग ब्लेंडेड लर्निंग एंड हाइब्रिड लर्निंग को सेम कहते हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। देखो ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है, सेम स्टूडेंट को आप क्लास में लाइव भी पढ़ा रहे हो और उन्हीं सेम स्टूडेंट्स को आप ऑनलाइन भी आप पढ़ा रहे हो। लेकिन हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड लर्निंग में क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास जो है ना ऑप्शन होता है कि या तो वो क्लास में जाके, यानी कि या तो वो ऑफलाइन में जाके पढ़े क्लास में फेस टू फेस इंटरेक्शन करके टीचर्स के साथ, या फिर वो जो है सेम टाइम पे ऑनलाइन क्लास भी आप वो अटेंड कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होता है कि जैसे एक जैसे मान लो आपने एक कोर्स में एडमिशन लिया, ठीक है, अब वहां पे आप बहुत दूर रहते हो तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है या तो आप क्लास में आके लाइव क्लास में आके आप लेक्चर अटेंड करो, या फिर सेम टाइम पे जिस टाइम पे क्लास में लेक्चर्स चल रहे हैं उसी टाइम पे आप जो है ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी आप अटेंड कर सकते हो। यानी यहाँ पे ओनली सिंक्रोनस मीडिया यूज किया जाता है। ब्लेंडेड में क्या था, सेम स्टूडेंट्स, मान लो अगर 50 स्टूडेंट्स क्लासरूम में है तो वही 50 स्टूडेंट्स पहले क्लासरूम में यानी ऑफलाइन स्टडी भी कर रहे हैं एंड वही 50 स्टूडेंट्स जाके ऑनलाइन भी आगे जाके उसको स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हाइब्रिड में क्या है, जैसे मान लो क्लास में 50 स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट लिया है तो 50 में से कुछ स्टूडेंट्स यानी 30 स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर क्लास में ऑफलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं तो रिमेनिंग 20 स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन सेम टाइम पे लाइव ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे। ये होता है हमारा हाइब्रिड लर्निंग जहाँ पे ओनली सिंक्रोनस मीडिया यूज किया जाता है। लास्ट है हमारा फ्लिप्ड लर्निंग, जिसे हम फ्लिप्ड क्लासरूम भी कहते हैं। ये हमारा ब्लेंडेड लर्निंग का ही टाइप है। ये है ना फ्लिप से ही आप समझ लो, ये ट्रेडिशनल जो अप्रोच है, जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टीचिंग है, ये उसका टोटली अपोजिट है। देखो ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या होता है, हम क्लासरूम में आते हैं, हमको टीचर एक्सप्लेनेशन देती है, हमको पढ़ाती है, देन हमको असाइनमेंट यानी होमवर्क मिलता है जिसपे हम घर पे जाके काम करते हैं। लेकिन फ्लिप लर्निंग या फ्लिप क्लासरूम में क्या होता है, टीचर को आपको जो भी पढ़ाना है ना वो टीचर आपको उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देगी या कोई लिंक दे देगी जिसके थ्रू आप वीडियो घर में ही देखकर आप वो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। उसके बाद स्कूल में आकर आप है ना आपने जो लेक्चर सुना है उसके ऊपर आप क्लास में डिस्कशन करेंगे विद टीचर और विद द स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम इसे फ्लिप लर्निंग कहते हैं, जहां पे जो आपको टीचर पढ़ाना चाहती है वो आप ऑलरेडी घर पे लेक्चर सुन के आते हो, टीचर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देगी या क्या बोलते हैं आप वो वीडियो के थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू आप वो लेक्चर समझ के आओगे। अब क्लास में एंटर करने के बाद क्लासरूम में आप उसके ऊपर डिस्कशन करोगे, अपने क्वेश्चंस पूछोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को आप शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।